शौकत साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि केपी के गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2017 में 57 अरब की लागत से ये मंसूबा शुरू हुआ था, आज तकरीबन ये 70 अरब तक ये लागत पहुंच गई है। पेशावर हाईकोर्ट ने भी कहा था कि ये मंसूबा एक ऐसी कंपनी को सौंपा गया जो दीगर सूबों में इसी किस्म के काम के हवाले से जित बदनीयती की बिना पर उनको ठेके दिए जाते रहे और उस कंपनी को ही ब्लैकलिस्ट करार दिया जा चुका है, बावजूद इसके कि दीगर मंसूबों के फंड भी BRT में लगाए गए, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल आज तक नहीं हुआ, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मजीद कितना वक्त दरकार है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया, आपने तो 70 अरब बताए, क्योंकि हर मीडिया की अपनी मर्जी होती है, कोई 100 अरब बताता है, कोई 80 अरब बताता है। चलिए आप सही बता दें। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने आपने वहां बैठ के जो इंट्रो में जितनी चीजें बताई हैं, मेरे ख्याल से मैं आपको भी दावत दूंगा, आप भी आ जाना कभी किसी वक्त आप, ताकि आपको भी पता चले कि ये जो मेट्रो बन रहा है ये लाहौर से कितना मुख्तलिफ है और इसमें अभी तक कितना काम हो चुका है। ये 27 किलोमीटर है और ये 29 अरब की BRT है टोटल, और इसमें एक पाई का अभी तक इजाफा नहीं हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वहाँ बैठ के लोग कहते हैं 70 हज़ार, कोई कहते हैं 57 अरब। ये BRT जो है ना, जो लाहौर की BRT है और इसकी BRT, जो दोनों 27 किलोमीटर है, वो 32 अरब क्लेम कर रहे हैं और हमारा 29 अरब का है, और ये इंशाल्लाह 29 अरब से एक पाई भी आगे नहीं जाएगा। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि जी सलाहियत नहीं है, BRT मुकम्मल है, 7 वर्ष कंप्लीट है। जो आप बात कर रहे हैं जिसकी ऑडिट पैरा की, ये होती है अब जिस लाहौर बस पर काम हो रहा है, ये ताखीर वजूहात बना, मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, वो तो आज चल भी रहे हैं, लोग उससे फायदा भी उठा रहे हैं। ये बातें पुरानी हो गई बीबी, आप जो असल बात पे आ जाए ना, असल बात पे आ जाए ना, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। देखिए, इस वक्त जो है ना, इस वक्त ये है कि BRT अपनी कम्प्लीशन की तरफ है, और जो जिस तरह इसके खिलाफ प्रोपेगंडा हुआ, इसकी वजह से ये इतना हाइप क्रिएट की गई, हर एक समझता रहा है कि शायद BRT नहीं बन रही। ऐसी कोई बात नहीं है, BRT पे काम शुरू है, डे नाइट हो रहा है, काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। ADP हमारे साथ, परसों भी उनकी मीटिंग थी, वजीर आला साहब के साथ भी मीटिंग की, मैं और शाहराम साहब थे, हमारे साथ ये भी मीटिंग मामला की। नैब तक क्यों वो बड़े खुश है, वो ये आज भी कह रहे हैं ये मामला पेशावर हाईकोर्ट तक क्यों गया, अगर इतना साफ शफाफ तरीके से ये मामला चल रहा था, लागत इसकी बड़ी नहीं, वक्त पर ये मुकम्मल डे नाइट। जी जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, अब दिन में 10 दफा अगर कोई मीडिया इसके ऊपर खबर छापेगा कि जी यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर तो नैब भी एक्शन लेगा और हाईकोर्ट भी एक्शन लेगा, लेकिन जब पता चलता है कि जी काम तो हो रहा है। देखिए, इस वक्त जो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर सारी बातें हो रही हैं, ये जो ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसकी बुनियाद पर आज सुबह से मैं देख रहा हूँ चैनल, मुख्तलिफ चैनलों पर खबर चलती रही कि जी इसमें बड़ा पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। देखिए, जो ऑडिट रिपोर्ट आती है ना, जो सहाफी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कवर करते आ रहे हैं, उनको सारा इसका पता होता है कि ऑब्जर्वेशन कुछ और चीज़ होती है, रिपोर्ट कुछ और चीज़ होती है। ऑब्जर्वेशन में ये होता है, नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, वो आके देखते हैं, अच्छा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो जो उनको बताते हैं वो लिख के दे देते हैं कि जी ये ऑडिट रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन आ गई। उसके बाद क्या होता है कि टेक्निकल कमेटी बैठती है, उसमें हमारा जो डिपार्टमेंट होता है रेलेवेंट, वो बैठता है, उसको DAC कहते हैं। उस DAC में ऑडिटर जनरल के नुमाइंदे होते हैं और सारे टेक्निकल लोग होते हैं, फिर वो उनको ब्रीफ करते हैं और ज्यादातर पैरा वहां सेटल हो जाते हैं। तो ये जो इसमें भी यही हुआ है कि पैरा सेटल हो चुके हैं और ये ऑब्जर्वेशन थी, और उसके बाद रिपोर्ट अभी तक वो नहीं है जो ये रिपोर्ट की बुनियाद पे ये सारी खबरें चल रही कि जी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन थी, वो खत्म हो चुकी है, सब उनको क्लियर किया जा चुका है। ADP जितना खुश है इस प्रोजेक्ट से, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ADP के किसी भी बंदे से आप रब्ता करें, वो कहें कि जितना जितना यहां पे